विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी आप तक साझा करें, करहल विधानसभा सीट से विधायक थे अखिलेश यादव, तो बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। कन्नौज से सांसद बने रहेंगे अखिलेश यादव, तो देखिए यहाँ पर दो विकल्प सांसद बनने के बाद अखिलेश यादव के पास बचे थे कि वो कन्नौज से सांसद बनना चुनते हैं या फिर करहल विधानसभा सीट से वो विधायक रहना पसंद करते हैं। हालांकि अब करहल विधानसभा सीट से उन्होंने विधायक से इस्तीफा दिया है। अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद बने रहेंगे, फिलहाल ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। लोकसभा में कन्नौज का मुद्दा उठाएंगे अखिलेश यादव, कहीं ना कहीं एक बड़ी मजबूती के साथ अखिलेश यादव ने फैसला लिया है कि संसद में वो मौजूद रहेंगे और संसद में कन्नौज के मुद्दों को बड़ी मुखरता के साथ वो उठाने का फैसला कर रहे हैं। निकिता मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई है। निकिता अब आपका रुख कर लेते हैं, अखिलेश यादव के पास दो विकल्प थे निकिता, या तो वो करहल विधानसभा सीट से बने रहे विधायक या फिर वो सांसद चुनते हैं। अब उन्होंने विधायक से इस्तीफा दे दिया, लिहाजा संसद में कन्नौज के मुद्दों को मजबूत किया जाएगा। देखिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और फैजाबाद की जो सांसद है अवधेश प्रसाद ने उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसकी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश यादव कन्नौज से और अवधेश काशी की अगर बात की जाए तो फैजाबाद से सांसद लोकसभा निर्वाचित हुए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि अखिलेश यादव इससे पहले मैनपुरी की करहल विधानसभा और अवधेश प्रसाद फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा से उत्तर प्रदेश से निर्वाचित विधायक थे। और आपको बता दें कि जहां उन्होंने आज इस्तीफा दिया है वहीं अखिलेश यादव अब दिल्ली की राजनीति करेंगे। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी थे। अब समाजवादी पार्टी किसी विधायक को नेता प्रतिपक्ष का पद भी देगी और अखिलेश यादव लोकसभा में पार्टी के जो नेता है वो होंगे और साथ ही साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए समाजवादी पार्टी के महासचिव और विधायक शिवपाल यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है। तो फिलहाल अब जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो गई हैं। अगर मैं अखिलेश यादव की बात करूं, जिस तरीके से अब अखिलेश यादव केंद्र की जो राजनीति है वो करेंगे और इसको लेकर के अब खबरें फिलहाल आ गई हैं कि इस्तीफा दे दिया है कन्नौज से और अवधेश पासी फैजाबाद सांसद लोकसभा से निर्वाचित हुए थे, जिसमें से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव और फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इसे समझा जाए कि आगे भविष्य की राजनीति को सोचते हुए अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने बड़ा ही एक रणनीतिक तौर पर इस फैसले को लिया है, यानी कि बड़ी सोची समझी रणनीति अखिलेश यादव के दिमाग में चल रही है। जाहिर सी बात है, सोची समझी रणनीति है और यही वजह है कि इस बार जो लोकसभा के चुनाव थे काफी सोच विचार करके कैंडिडेट उतारना और साथ ही साथ उन्होंने आगे का सोचा है। हालांकि इस बार अखिलेश यादव का जो फुल फ्लेज फोकस था वो उन्होंने यही कहा था कि फिलहाल उन्हें केंद्र में ना जाके उत्तर प्रदेश में सीमित रहना है, विधानसभा उन्हें फोकस करना है। लेकिन अब जिस तरीके के रुझान और रिजल्ट आए हैं उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अब फिलहाल अखिलेश यादव दिल्ली की राजनीति करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी थे और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी किसी विधायक को के नेता प्रतिपक्ष का पद भी देगी। और आपको ये भी बता दूं कि अखिलेश यादव लोकसभा में पार्टी के नेता भी रहे हैं, लोकसभा में पार्टी के नेता होंगे और विधानसभा से जो नेता प्रतिपक्ष के लिए समाजवादी पार्टी के महासचिव और जिस तरीके से विधायक है शिवपाल यादव, इनका नाम अभी फिलहाल सबसे आगे चल रहा है। ठीक है सरीन, निकिता बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के।